क्या तुम उस वक्त मिलने आओगे सांस जब घर बदल रही होगी। वाह भाई वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत। सबसे पहले आदरणीय विजय अरुण साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये हम जैसे लोगों के लिए सच में बहुत एक बड़ा सबक है कि 80 प्लस होने के बावजूद इनको किताब छपवाने की कोई जल्दी नहीं है। आज तो 10-20 गज़लें उधार लेकर लोग किताब छपवा लेते हैं, तो दिस इज़ वेरी बिग लेसन टू पीपल लाइक मी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय सागर त्रिपाठी जी, शाहिद भाई और आप सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा प्रणाम। निजामत यूसुफ भाई करने वाले थे लेकिन आपने कोई बात नहीं, एक शेर आप सभी की समातों के हवाले। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है सूरज नहीं है हम वरना, खुदा का शुक्र है सूरज नहीं है हम वरना, न जाने कितने परिंदों के पर जला देते। बढ़िया। खुदा का शुक्र है सूरज नहीं है हम वरना, न जाने कितने परिंदों के पर जला देते। एक शेर और पढ़ना चाहूंगा, पांडे जी का पसंदीदा शेर है कि मेरे मकान का हुलिया बिगाड़ने वालों, मेरे मकान का हुलिया बिगाड़ने वालों, तुम इस मकान पे अपना ही नाम लिख देते। वाह वाह, बढ़िया है, बहुत शुक्रिया। मेरे मकान का हुलिया बिगाड़ने वालों, तुम इस मकान पे अपना ही नाम लिख देते। चार मिसरे दादा जी, स्वागत है। कि भले ही लाख शिकवे हों शिकायत की नहीं जाती, भले ही लाख शिकवे हों शिकायत की नहीं जाती, जो दिल में रहते हैं उनसे बगावत की नहीं जाती। भले ही लाख शिकवे हों शिकायत की नहीं जाती, जो दिल में रहते हैं उनसे बगावत की नहीं जाती। और हमें तो गोपियों के प्रेम ने यही सिखाया है, मोहब्बत करने वालों से अदावत की नहीं जाती, मोहब्बत करने वालों से अदावत की नहीं जाती। गजल किया मतला और चंद अशार। बर्फ अगरचे पिघल रही होगी, बर्फ अगरचे पिघल रही होगी, बात कल पर ही टल रही होगी। वाह। बर्फ अगरचे पिघल रही होगी, बात कल पर ही टल रही होगी, आज हम इतना मुस्कुराए हैं बेबसी हाथ मल रही होगी। क्या बोलते हैं। बहुत शुक्रिया। आदरणीय कुलदीप शर्मा जी ठाकुर कॉम्प्लेक्स से आए हैं इस महफिल का आनंद लूटने के लिए। आज हम इतना मुस्कुराए हैं बेबसी हाथ मल रही होगी, और ये तो लोबान जैसी खुशबू है, ये तो लोबान जैसी खुशबू है, कोई मीरा पिघल रही होगी। वाह वाह, ये तो बहुत शुक्रिया। ये तो लोबान जैसी खुशबू है, कोई मीरा पिघल रही होगी, कोई मीरा पिघल रही होगी, और क्या तुम उस वक्त मिलने आओगे। नवाज साहब आपका पसंदीदा शेर। क्या तुम उस वक्त मिलने आओगे सांस जब घर बदल रही होगी। वाह भाई वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। फिर से पढ़िए मुकर्रर। क्या तुम उस वक्त मिलने आओगे सांस जब घर बदल रही होगी। बहुत शुक्रिया। हिंदी गजल को लेकर आप लोगों में जो अनुराग परिलक्षित हुआ है उसको संज्ञान में लेते हुए कुछ पंक्तियां हिंदी गजल से प्रस्तुत करना चाहूंगा जी। राजनीति का प्रहसन, जो नहीं जानते उनके लिए प्रहसन एक नाटिका होती है जिसमें नृत्य भी होता है और हास्य भी होता है,
कि राजनीति का प्रहसन क्या विचित्र प्रहसन है, राजनीति का प्रहसन क्या विचित्र प्रहसन है, कल तलक जो वर्जित थे आज उनका वंदन है। अच्छा, राजनीति का प्रहसन क्या विचित्र प्रहसन है, कल तलक जो वर्जित थे आज उनका वंदन है। और किस पे टिप्पणी करिए राज भाई, किस पे टिप्पणी करिए, हर किसी के मस्तक पर, किस पे टिप्पणी करिए, हर किसी के मस्तक पर भिन्न भिन्न होकर भी एक जैसा चंदन है। क्या बात है, बढ़िया है भाई। राजनीति का प्रहसन क्या विचित्र प्रहसन है, कल तलक जो वर्जित थे आज उनका वंदन है। किस पर टिप्पणी करिए, हर किसी के मस्तक पर भिन्न भिन्न होकर भी एक जैसा चंदन है। वाह, कितना वक्त बाकी है पांडे जी? एक मिनट है, तो एक मिनट में क्या सुनाया जाए, थोड़ा और सुनाता हूँ एक शेर। कितनी बार बताऊं तुझको कैसा लगता है, कितनी बार बताऊं तुझको कैसा लगता है, तेरा चेहरा अच्छा है तो अच्छा लगता है। कितनी बार बताऊं तुझको कैसा लगता है, तेरा चेहरा अच्छा है तो अच्छा लगता है। और पलकों से कुछ नीचे नथ से ऊपर घूंघट रख, पलकों से कुछ नीचे नथ से ऊपर घूंघट रख, मुझको आधा चांद बड़ा ही प्यारा लगता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वाह 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 भाई,